नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। कानपुर हिंसा मामले में उपद्रवियों की तरफ से पुलिस प्रशासन पर पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा था। इस मामले में प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की गई है, जिससे कानपुर भर में हड़कंप मच गया है। ऐसा क्या कुछ एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 3 जून को हुई कानपुर हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस मामले में बेहद गंभीर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उपद्रवियों की तरफ से पथराव के साथ साथ पेट्रोल बम फेंक कर भी इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेट्रोल बम के लिए पेट्रोल कहां से आया? जब प्रशासन ने इसकी जांच की तो सामने आया कि शहर के डिप्टी पड़ाव स्थित पेट्रोल पंप से उपद्रवियों ने बोतलों में पेट्रोल खरीदा था। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर हुए जांच के दौरान पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कई संदिग्ध बोतलों में पेट्रोल ले जाते हुए दिखाई दिए, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने जाने के बावजूद भी पेट्रोल पंप मालिक ने कई युवाओं को पेट्रोल बोतल में भरकर बेचा। इस मामले में लापरवाही बरतने पर पेट्रोल पंप के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जे में लेकर कमिश्नरेट पुलिस को सौंप दिया है। बेकनगंज और परेड स्थित जो पेट्रोल पंप्स हैं, उनकी एक विस्तृत जांच हम लोगों ने डीएसओ की टीम से कराई है। डीएसओ की टीम ने कुछ फुटेजेस रिट्रीव किए हैं, उनको पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस इसमें आगे की जो जांच है, इंक्वायरी है, वो कर। वहीं अब एसआईटी टीम इस वीडियो फुटेज में पथराव और पंप से बोतल में पेट्रोल लाने वाले लोगों की शिनाख्त करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेने वाले उपद्रवी हैं या फिर नहीं। बहरहाल बाबा बुलडोजर ने भी ये साफ कर दिया है कि जो भी अपराधी इस उपद्रव में शामिल थे, उन पर बाबा का बुलडोजर चलेगा जरूर और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।